आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ देखो क्वेश्चन में कहा गया ए बी सी डी इज ए ट्रपेजियम विद पैरल साइड देखो पैरल साइड ए बी इज इक्वल टू ए यूनिट हमें गिवन है एंड डी सी इज इक्वल टू बी यूनिट इफ ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरल साइड ए डी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली Then the ratio of area, to area of तो इसके लिए देखो सबसे पहले हम जो है फिगर ड्रॉ कर लेते हैं फिगर हमारे पास देखो एक ट्रपेजियम हमें गिवन है तो ट्रपेजियम में दो साइड्स जो है पैरलर होती हैं तो हम सबसे पहले पैरलर साइड्स को ज्वाइन कर लेते हैं देखो ये हमारे पास जो है पैरलर हो गई ठीक है अब हम अगर बात करें तो एक साइड हमारी ये हो जाएगी और सेकेंड जो साइड होगी वो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी अब इसको हम नाम दे देते हैं कि जो ये ट्रिपेजियम है ए बी सी डी है उसके बाद कह रहा है कि ए बी जो है ए यूनिट्स है हमारे पास तो मेजरमेंट लिख लेते हैं देखो ए यूनिट्स हो गया ये तो सेकंड अगर हम बात करें डीसी की तो वो बी यूनिट है डी सी की बात करें ये हमारे पास बी यूनिट गिवन है ठीक है इफ ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरला साइड ए डी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली है तो ए डी का जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास क्या है ई e है और bc का जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास क्या है f है तो e और f को हम जॉइन कर देते हैं देखो अब ef को हमने जॉइन कर दिया ठीक है अब अगर हम बात करें ये साइड जो है इसके इक्वल है आगे कह रहा है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ abfe ए ए अगर हम बात करें abfe ए ए ए, तो ये भी हमारे पास सेक्टर पे आ गया अगर हम बात करें एरिया ऑफ ई एफ सी डी ई एफ सी डी ई एफ सी डी ये भी हमारे पास ट्रिपेजियम आ गया और एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रिपेजियम की अगर हम बात करें तो वो होता है हाफ ऑफ समर साइड सम ऑफ पैरलर साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट अब देखो अगर हम बात करें सम ऑफ पैरलर साइड्स की तो हम अगर एरिया ऑफ ए बी एफ ई की बात करेंगे तो सम ओ पैरल तो वैल्यू तो है हमारे पास अगर EF की वैल्यू हमें पता चल जाए तो समो पैरेलल साइड्स आ गया और अगर हम बात करें एच की तो देखो हाइट की अब हम बात करेंगे तो EF अगर हमारे पास मिड पॉइंट्स है तो अगर ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एच है तो ये भी हमारे पास कितनी होगी एच क्योंकि हाइट सेम होगी अब देखो अगर हाइट सेम है तो H तो वैल्यू H की वैल्यू आ गई हमारे पास और एक बेस आ गया इस केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ई एफ की वैल्यू अगर हमें मिल जाए तो हम एरिया ऑफर पेज ए बी एफ आउट कर लेंगे दूसरा ई एफ की अगर हमें वैल्यू मिल गई तो ई एफ सी डी ई एफ सी डी इसमें इसकी वैल्यू मिल गई और इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है और एच आई है हमारे पास तो हम यहां से भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे ई एफ की लेंथ कितनी होगी तो ई एफ की लेंथ के लिए हम कह सकते हैं कि ई एंड एफ इफ ई एंड ऑफ एफ देखो ई एंड एफ आर पॉइंट्स ए बी जो है पैरलर है ई एफ के दूसरा जो है हमारे पास सी डी सी डी भी पैरलर है किसके ई एफ के हम कह सकते हैं कि सी डी इज ए पैरलर टू ई एफ देन अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ ई एफ तो वैल्यू ऑफ ई एफ क्या हो जाएगी हमारे पास ए बी की लेंथ सम ऑफ समाइड ए बी की लेंथ प्लस डी सी की लेंथ लेंथ डिवाइड बाय कर देंगे तो हमारे पास ऑफ आ जाएगी तो ए बी की देखो हमारे पास वैल्यू है कितनी है हमारे पास वैल्यू ए यूनिट्स है प्लस डी सी की बी यूनिट है डिवाइड बाई टू तो ए प्लस बी डिड बाई टू हमारे पास क्या आ गया ई एफ की लेंथ आ गई की लेंथ आ गई ठीक है रेशियो फाइंड आउट करना है हमें किस किस का वो बात करेंगे हम रेशियो की बात करें तो देखो किसका किसके साथ फाइंड आउट करना रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए बी एफ ई तो इसको हम ऊपर लिखेंगे और किसके साथ फाइंड आउट करना उसको हम डिवीजन में लिखेंगे तो ई e को हम ऊपर लिखेंगे रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए बी एफ ई डिवाइड बाय डिवाइड बाय किससे करेंगे जिसके साथ हमें रेशियो फाइंड आउट करना है तो एरिया ऑफ दूसरा किसके साथ है हमारे पास देखो एरिया ऑफ ई एफ सी डी ई एफ सी डी ई एफ सी डी अब देखो एरिया ऑफ ट्रिपेजी में हमें पता है क्या होता है हाफ इंटू पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अब देखो ए बी एफ ई में अगर हम बात करें तो ए बी एफ ई में पैरेलल साइड्स हमारे पास एक तो एफ ई e और ए बी हो गई ठीक है तो समो पैरेलल साइड्स कितना होगा ए बी की वैल्यू ए यूनिट्स और ई एफ की हमने फाइंड आउट कर ली ए प्लस बी बाई टू आया है. ठीक है तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं देखो हम कह सकते हैं कि वन डिवाइड बाई टू इंटू जाएगा ए प्लस ए प्लस बी डिटीप्लाई बाई हाइट कितनी है डिवाइड डिवाइड बाय किससे कर देंगे एरिया ऑफ ई एफ सी डी ई एफ सी डी ई एफ सी डी की बात करें तो देखो ये तो बी यूनिट हमारे पास और पैलर साइड इसके साथ तो बी प्लस ए प्लस बी बाई टू हो जाएगा हमारे पास तो हाफ इन बी प्लस यहां हम कह सकते हैं कि अगर हम h से h को कैंसिल आउट कर दें हाफ को हाफ से कैंसिल आउट कर दें अब इसको सोल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को तो यहां पर 1 है यहां पर भी 1 है तो अगर हम एलसीएम ले तो एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा ऊपर न्यूमिनेटर की बात करें तो 1 आएगा सॉरी 2 आएगा एलसीएम 1 और 2 का तो यहां से तो आ गया हमारे पास 2a ए प्लस ए प्लस और बात करें डिनोमिनेटर की तो डिनोमिनेटर में भी देखो एलसीएम तो कितना आ जाएगा टू आ जाएगा डिवाइड बाय टू और उसके बाद अगर हम बात करें यहां से तो टू भी मिल गया हमें प्लस ए प्लस बी मिल गया ठीक है सिंपलीफाई कर सकते हैं हम इजीली इसे दो से दो को कैंसिल आउट कर देंगे नोमिनेटर में हमारे पास टू ए प्लस ए प्लस बी मतलब की टू ए प्लस ए कितना हो जाएगा थ्री ए तो थ्री ए प्लस बी आ गया डिवाइड बाय टू ए प्लस ए प्लस बी मतलब की ए प्लस थ्री भी हो जाएगा हमारे पास तो ए प्लस थ्री भी हो गया इसको हम रेशियो फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि हमें थर्ड ऑप्शन में गिवन है थ्री ए प्लस बी रेशियो ए प्लस थ्री बी यही हमारा आंसर आया सो so, ऑप्शन थ्री विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन थैंक यू 12 से लेके नीट आई आई टी चेंस और एडवांस के लेवल तक मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नटअप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर